ये हुई ना बात। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ 1 December और हम हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। कोहिमा टाइम हुए हैं सुबह के अराउंड 11 o'clock। यस, और गैलरी के जो हमें मतलब होटल मिला है ये देखिए, रूम टूर वगैरह सब कुछ आपको आगे डिटेल्स में बताया जाएगा आने वाले व्लॉग में। और हम अटेंड करने आए हैं द ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। फाइनली पता नहीं दोनों का ड्रीम था। हाँ जी, दोनों का ड्रीम था। और ये जो फेस्टिवल है वो काफी स्पेशल है क्योंकि एक साल के बाद हो रहा है पैंडेमिक के वजह से। लास्ट ईयर नहीं हुआ था, वर्चुअली हुआ था जी। और इस साल इट्स गोना बी द मोस्ट अमेजिंग टाइम एवर। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये बात बता दूं कि आज 1 December है एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल की ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। एंड ऑल्सो इट इज द नागालैंड स्टेट डे। So आज नागालैंड स्टेट के लिए काफी बढ़िया और बेहतर दिन है एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी आर हियर टू एक्सपीरियंस इट। हमारे लिए भी बहुत बढ़िया दिन। हाँ जी, ठीक है, दिन की चलिए शुरुआत करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं वर्चुअली। अब आप इंडिया से पता नहीं कहाँ से व्लॉग देख रहे हो, वर्ल्ड से, ग्लोबली कहीं से भी देख रहे हो, वर्चुअली हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको दिखाया जाएगा। दो तीन दिन कोशिश करेंगे जो आपको दिखा पाए। तो मेरा नाम है डोलेश, आई एम सोनिया और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। चलिए कोहिमा में हम हैं 3-4 दिन के लिए। ये कैब देख लीजिए, ये कैब हमारे साथ रहने वाली है एंड विथ मी आई हैव गॉट स्टीफन, वन हु इज़ गोइंग टू बी ड्राइविंग आवर कैब। यस, इवन सोनिया इज हियर। सो स्टीफन, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ओह, इट वाज नाइस मीटिंग दिस डोलेश एंड सोनिया विद अस। यस, इट विल बी ग्रेट, वी गोना हैव अ ग्रेट टाइम विद बोथ ऑफ देम। हां हां, आई होप बिलीव 200 जर्नी इज गोना बी अ बेटर वन। यस, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल पूरा मतलब कोहिमा जो भी हम घुमाने वाले हैं, सो स्टीफन is going to be with us. Yeah. We are going to enjoy the Nagaland. It will be a great content, it will be a great view. Views, and yes. Wonderful stay. Yes, so this is for you specially virtually aapke liye ho gaya ye hashtag Nagaland tourism. Ab yahan se chal rahe hain opening ceremony, aapko bata dun opening ceremony hai 4 baje, we are leaving by 4 kyunki wahan par shayad traffic wagera kuch ho jayega, correct? Yeah. Traffic wagera, because I guess even CM is going to be there of the state. Dekhte hain kya hone wala hai. थोड़ी सी जर्नी करने के बाद आप ये देख लीजिए, अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर, पूरा पार्किंग का है, ये है मेन एरिया। यहाँ पर आप सिक्योरिटी देखिए और अगर आप पीछे वो बैकग्राउंड में देखोगे सब डांसर्स परफॉर्मर्स वगैरह बसेस में अभी आ रहे हैं बिकॉज अभी ओपनिंग में है तो काफ़ी टाइम है। तो बेसिकली ये सारे ट्राइब्स हैं, 17 ट्राइब्स हैं जो इस फंक्शन का, इस फेस्टिवल का पार्ट होने वाले हैं। नागालैंड की 17 ट्राइब्स ऑफिशियल जो यहाँ पर आएंगे एंड अपना परफॉर्म करेंगे, कल्चर बताएंगे। So yeah, it's gonna be really, really good. भाई मज़ा आने वाला है। ये देख लो, इस तरफ पार्किंग एंड दिस इज़ द मेन गेट। अब जो ये बता रहे हैं यहाँ से हमको वॉक करके जहाँ पर मेन इवेंट होने वाला है वहाँ तक जाना है। अब देखो इनकी ड्रेसेस, अभी आप दूर से ही देखो कितना सुंदर लग रहा है। वर्चुअली आपको चिंता मत करो, पूरा हॉर्नबिल फेस्टिवल पूरा दिखाने वाली। यस,
चलें सोनिया। तो मेन इवेंट जो है, मैं एक बात और बता दूं कि दिस इज द किसामा हेरिटेज विलेज, जहां पर ये फंक्शन होता है, जहां पे 10 दिन के लिए किसामा हेरिटेज विलेज एक ऐसी जगह में बदल जाएगा जो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। सही बात। सो इट्स गोना बी रियली रियली आउटस्टैंडिंग। कोहिमा से ये 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। बेटर दैट हम ड्राइव करके आए, हम तो ड्राइव करके आए हैं, बट अगर आप वॉकिंग करके आना चाहते हैं सिटी सेंटर से तो वेल एंड गुड, बट या दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड बी एट। भाई साहब आप यहाँ का एम्बियंस देखिए, सब आर्टिस्ट अभी एंट्री वगैरह कर रहे हैं, सिक्योरिटी वगैरह, क्या वाइब है। एंड दिस इज द बेस्ट डे टू बी इन नागालैंड। बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, मतलब किस्मत वाले हम, किस्मत वाले, किस्मत वाले। आप भी? यस, वर्चुअली देख रहे हो। देखिए नॉर्थ ईस्ट के लिए या मैं कहूँ नागालैंड के लिए ट्रिप प्लान करना डिफिकल्ट है, हमारे लिए भी था, पर एग्जैक्टली क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और नागालैंड के लिए आपको ILP लगता है, जिसे इनर लाइन परमिट कहा जाता है, बट यू डोंट हैव टू वरी क्योंकि ई ट्रिप तो जो है दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन। इनफैक्ट पूरा पैकेज जो है उन्होंने प्लान किया है, एंड यस गुड होटल्स, गुड सर्विस, गुड ट्रांसफर्स। तो जो हमने पैकेज लिया है वो लिया है ई ट्रिप्टो से। अगर आप भी कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दे देखो एक और ट्रूप आया, एक और आवाज़ आ रही है आपको बैकग्राउंड में। ब्यूटीफुल यार, यार ये जो फेस्टिवल है इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इतना कलरफुल है, इतनी सारी गुड वाइब्स एंड वाइब्रेंसी है यहाँ पर, मतलब आप पूरा नागालैंड इन 10 दिनों में चख सकते हो। पहले ये टाइम देखिए, दिस इज 1:15। अगर आप यहाँ देखोगे दिस इज़ द मेन स्टेज जहाँ पर पूरी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, सब मिनिस्टर्स वगैरह प्रिपरेशंस वगैरह ऑन। एंड आई गेस अगर आप देखोगे बड़े कैमरास भी हैं, तो यहाँ से लाइव फीड में भी दूरदर्शन पे, मतलब कहीं तो लाइव फीड भी होने वाली है। 4 बजे यहाँ पर इवेंट शुरू होगा। हम जल्दी इसलिए आ गए बिकॉज बता रहे थे मिनिस्टर्स की वजह से वो रोड शायद ब्लॉक कर दिया जाए, तो हमको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। इस तरफ आप देख लीजिए पूरी प्रिपरेशंस यहाँ पर चल रही है, तो इवेंट शुरू होने दीजिए। मैं सब कुछ आपको वर्चुअली, आप म्यूज़िक की वजह से, कॉपीराइटेड की वजह से जितना हो पाएगा मैं आपको सब कुछ दिखाया। बट भाई साहब अगर आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर अब तक अटेंड नहीं किया है, मैं तो आपसे जरूर कहूँगा, देखो इस साल आई डोंट नो अगर आप आओगे कि नहीं आ पाओगे, दिस इज टिल 10th December। अगर नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करना चाहो ज़रूर आइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है ना, अलग अलग ग्रुप्स हैं, कोई आज परफॉर्म कर रहा है, कोई कल परफॉर्म कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आ गए। अभी ये क्या है, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी तरह से प्रॉपर यूनिफॉर्म में, जो भी अटायर है, एंड नाउ दे विल परफॉर्म। जो ये वाला ग्रुप है इनकी परफॉर्मेंस कल है। बट आप देखो यार कितना, थोड़ा नज़दीक जाके ये देखो कितना सही लगता है। ये अब एक और ट्राइब है यहाँ पर, नाम है संगतम मुरंग। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर पूरा ट्रेडिशन। और मैंने इनका, भाई साहब दिस इज #IncredibleIndia, जितना आप घूमोगे ना उतना कम है। अब तक ये सब हमने, अगर आप देखोगे ये सब हमने बुक्स में देखा था या सुना था, बट दिस इज, आप देखिए यहाँ पर दोस्त, दिस इज द रियल इंडिया। यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है, टाइम 3 बज चुके हैं। अगर आप देखोगे बिल्कुल पब्लिक भी पीछे पीछे जमा होने लगी है, पीछे बैकग्राउंड में आप आवाज़ देख रहे हो। यहाँ की तो आप वाइब देखो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टाइप, पूरी पब्लिक। तो कोशिश, जब अगर यहाँ फेस्टिवल आओगे प्लीज़ पहले ही आइएगा, बाकी क्या है ना आपको स्पेस वगैरह सब कुछ मिलेगी। सोनिया ऑल गुड, ऑल गुड। अभी एक देखो वहाँ वो ट्राइब है, दे आर परफॉर्मिंग, बस थोड़ी देर में इवेंट की शुरुआत होने वाली है। यस, और 3 बज रहे हैं अभी और इतनी ठंड है यहाँ पर ऑलरेडी, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और
लोकेशन वाइज भी हम बिल्कुल सामने बैठे हैं, राइट इन द फ्रंट. तो जो भी हम कैप्चर करने वाले हैं वर्चुअली आप वही देखने वाले हो. रेडी फॉर दैट, मजा आएगा. 6 to 9 कुछ कल्चरल शो है, कोशिश करेंगे जितना भी आपको दिखा पाए. ये चीज़ कड़क, ये देखो यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर टाइप नहीं होता, ये देखो ये पूरा क्यू बना के लगे हैं. और ये इसलिए लगे हैं बिकॉज फ्रॉम दैट साइड CM ऑफ नागालैंड इज कमिंग इन. ये देखो यार, ये चीज़ तो देखने वाली बनती है. आ रही है बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है? आप शो को एंजॉय करो, मैं ज़्यादा आपसे बोलूँगा तो फिर आप बोलोगे. Welcome to the Hornbill Festival this summer. Thank you for coming. We are glad you came. Now we all citizens a happy Hornbill Festival and hope that each one of you will have a wonderful Nagaland experience. Thank you. God bless. Good Nagaland. और यहाँ का वेदर लाजवाब है. कड़क. बैकग्राउंड में म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा. देखो परफॉर्मेंसेस वगैरह जितने थे सोने आज के लिए, आई गेस डे वन का जितना था, आई गेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन. 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, एवरीथिंग इज डन फॉर द डे, ऑलमोस्ट डन. अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ अगर और बाकी है तो अगर आपको दिखा पाए. परफॉर्मेंसेज वगैरह सब कुछ मज़ेदार, बट वही म्यूजिक कॉपीराइट की वजह से शायद आपको मैं वो सब कुछ पूरा प्ले करके ना दिखा पाऊँ. आउट ऑफ 10 हॉर्नबिल फेस्टिवल डे 1 कितना देना चाहेंगे? सो आई वुड लाइक टू गिव इट 9. हाँ हाँ. ओके, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. करेक्ट करेक्ट. एवरी टाइम तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस वाइज, हॉस्पिटैलिटी वाइज, सब कुछ वाइज इट वाज वन ऑफ द बेस्ट. आल्सो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, वैसे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते. जो भी एक्सपीरियंस था वो ऑथेंटिक रियल था, फर्स्ट टाइम था तो आई लव्ड इट. मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया. मजा आया. व्हाट अबाउट यू? अरे आई एंजॉयड. हमारे लिए तो भाई मज़ा ही मज़ा है. ठीक है ना, यहाँ पे खाने पीने का सब कुछ ऑप्शन है. बस थोड़ा और देख रहे हैं, मे बी 15-20 मिनट और यहाँ रहेंगे, फिर देखते हैं अगर कुछ आपको और दिखाना बाकी है फ्रॉम द डे. काफ़ी सारे मुझे ऑथेंटिक लोकल कैफेज दिख रहे हैं. चलो देखते हैं अगर कुछ मिलता है. देखते हैं दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करना. और जैसा कहा, कंटेंट बदलेगा, कंटेंट बदलेगा, अंदाज बदलेगा. नागालैंड आए या फिर मैं कहूँ हॉर्नबिल फेस्टिवल आए, अगर आपने एक चीज़ टेस्ट नहीं की तो आप क्या नागालैंड आए. और ये है राइस बियर. तो ये यहाँ का लोकल ड्रिंक है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे नागालैंड में. एंड ऑफकोर्स हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम पे वेरियस ट्राइब्स के जो स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, मैंडेटरीली ये लोग भाई यहाँ देखोगे सब लोग टेस्ट कर रहे हैं. बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम टेस्ट करने वाले हैं, बट मैं भाई मैं तो रिस्क लेने वाला हूँ नहीं, बट शी इज टेस्टिंग. हाउ इज इट? टेस्ट कैसा है? टेस्ट कैसा है? राइस का बना हुआ है. राइस का बना हुआ है, राइस का है बेसिकली. बराबर स्टिकीनेस वाली फीलिंग है. एंड ये जो राइस बियर है मैंने ऑफ मोरूम से लिया हुआ है. और जो ट्राइब है यहाँ की वहाँ से मैंने लिया हुआ है. नाइस लग तो अच्छा रहा है. बट दोस्तों अगर आप नागालैंड आ रहे हो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो आई गेस हॉर्नबिल हमारा अब यहाँ पर पूरा हो गया. डे वन का कोटा हमारा अब यहाँ पर पूरा हो गया. दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग. आप देख लीजिए अब हम आ चुके हैं अपनी पार्किंग में. यहाँ से गाड़ी लेके कैब लेके जा रहे हैं वापस होटल. मज़ा आ गया. यस, सो डे 1 हॉर्नबिल का यहाँ एंड होता है. डे 2 का व्लॉग भी आपके सामने है.
बहुत जल्द आएगा, जल्द आएगा। हम शायद कल वापस यहाँ आएंगे एक्सप्लोर करने और आपके लिए डे टू भी आपको दिखाएंगे। इनफैक्ट कल बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर एक्टिविटीज है जी। तो कल का दिन तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा मुझे लगता है। तो व्लॉग देखिएगा ज़रूर, बस इसी तरह हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त यार अब और क्या बच्चे की जान लोगे, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो दिस इज डोलेश, दिस इज सोनिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। टाटा, टेक केयर।